Hi everyone, let's do a quick review of this viral foundation which is from Maybelline Orient का newly launched Lumi Matte Foundation है जो internet पर इतना ज़्यादा viral हो चुका था ना that I had to try this. So guys, I'm in the shade 120 क्योंकि इनके जो previous foundations मैं use करती हूँ like Fit Me और Superstay उसमें मेरा same shade है. I got this online and luckily it was the correct shade. So moving to the formula, इसका बहुत ही ज़्यादा runny है, blendability बहुत अच्छी है. One thing more, Lumi से आप ये मत समझिए कि ये कोई dewy foundation है. No, it's a matte one. Oily skin वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी. अगर ड्राई स्किन है तो आपकी स्किन पर आपको बहुत अच्छे से करनी है. कवरेज की बात करूँ तो गाइज एज यू कैन सी मैंने इसको हाफ ऑफ द फेस पर अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश ताकि मुझे मैक्सिमम कवरेज मिले. बट स्टिल इट इज़ अ डेली वियर फाउंडेशन तो इसने मुझे एक शीयर सा ही कवरेज दिया है. हाँ, थोड़ा सा मुझे ब्राइटनिंग इफेक्ट जरूर मिला था बट कवरेज बिल्कुल नहीं है इसका. इसका क्लेम है कि ये 30 आवर्स तक स्टे करता है, वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है. तो गाइज 30 आवर्स की बात करूँ तो अभी करंटली दिल्ली NCR में जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा 50 डिग्री हिट कर गया ना, तो 30 आवर्स हो गया, 3 आवर्स भी कोई फाउंडेशन टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है अनटिल एंड अनलेस यू आर सिटिंग अंडर एन AC. बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है आप किस तरह से मेंटेन करते हैं आपका मेकअप. ऑक्सीडेशन की बात करूं तो यस, मैंने इसको 6 आवर्स तक रखा था, आफ्टर 4 आवर्स मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है. और बाकी रही बात टू बी जेन्युइन, मुझे ये इतना ज़्यादा खास पसंद आया नहीं जितना मैंने इसके बारे में सुना था. और अगर मुझे ये रिजल्ट चाहिए तो बेटर आई वुड प्रीफर एनी BB और CC क्रीम जो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी और उसके हाफ ऑफ द प्राइस में मिल जाएगी. कंपेयर करूँ सुपर स्टे के साथ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, एटलीस्ट आई एम गेटिंग वट आई हैव पेड फॉर, बट दिस वन अ बिग नो फ्रॉम माई साइड.